हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज बना रहा हूँ मैं पहाड़ी स्टाइल में बर्गर, जो मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा कि किस हिसाब से मैं पहाड़ी तरीके से बर्गर बनाऊंगा। तो ये यहाँ पे ये मैंने कुछ सामान लिया है, आप देख सकते हैं। एक टमाटर लिया है, प्याज लिया है, थोड़ा मैंने धनिया के पत्ते लिया है, और एक मैंने देसी मुर्गी का अंडा लिया है, और दो मैंने पाव लिए हैं जिसको गढ़वाली भाषा में बंद बोलते हैं, और दो पत्ते मैंने पत्ता गोभी के लिए है। और यहाँ पे मैंने एक टमाटर लिया है और इसको मैं अच्छे से स्लाइस में काट दूँगा, आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये मैंने यहाँ पे टमाटर स्लाइस में काट दिया है। तो इसी तरीके से मैं प्याज भी काटूँगा मैं स्लाइस कट में। और ये मैंने एक पीस ये कर दिया स्लाइस में, और एक पीस मैंने और निकाल दिया है, और एक पीस मैंने ये भी निकाल दिया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं, केचप लिया है, ओनियन लिया है, अंडा लिया है, और आप देख सकते हैं। अब चलो दोस्तों, अब अंडे को सबसे पहले तोड़ देंगे और इसको एक कटोरी में डाल देंगे, और इसमें डालेंगे हम ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया, और इसको बढ़िया से मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे दोस्तों इसमें हल्का सा नमक, और इसको भी अच्छे से मिला देंगे। और अब मैंने एक पैन लिया है, इसमें डालूंगा मैं सबसे पहले तेल, और तेल मैंने हल्का तेल डाला है, इसको चारों तरफ से पैन पे अच्छे से लगा दिया है। अब इसमें डालूंगा दोस्तों मैं अंडा, ये मैंने अंडा डाल रहा हूँ, और इसको हमें ज़्यादा फैलाना नहीं है, हमें जितना हमारा पाव है उसी के हिसाब से हमें इसकी रोटी बनानी है, यानी कि हमें इसकी ऑमलेट बनानी है, बुर्जी नहीं बनानी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसको ऑमलेट की इसको शेप दे दी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़िया से आग जल रही है, और ऊपर से हमारा ऑमलेट तैयार हो रही है। तो दोस्तों, इसको अब हम हल्के से हिलाना स्टार्ट करेंगे, और आप देख सकते हैं इसने पैन भी छोड़ दिया है। अब इसमें मारेंगे हम पलटी, और ये हमारी ऑमलेट तैयार हो गई है बर्गर के लिए। ये डाली हमने ऑमलेट यहाँ प्लेट में, और इसके बाद दोस्तों हम सेकेंगे पाव, यानी कि गढ़वाली भाषा में बोलते हैं बंद। तो बंद को हम अच्छे से दोनों साइड से सेक देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इनको पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं पहले से हमारे बंद काफ़ी सॉफ्ट लग रहे हैं अभी। तो दोस्तों, बंद पाव हमारे तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों, अब बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारी सारी सामग्री तैयार हो गई है, बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये मैंने यहाँ पे एक प्लेट ली है, और इसमें रख दूंगा पहले एक पाव, फिर दूसरा पाव। अब इसमें डालूंगा मैं टमाटो केचप, आप चाहे तो इसमें मेयोनीज डाल सकते हैं, और हरी चटनी डाल सकते हैं, या टमाटर की क्वांटिटी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो टमाटर दोस्तों मैंने अच्छे से और दोनों पाव पे लगा दिया है। अब इसमें डालूंगा मैं सबसे पहले ऑमलेट, और ये हमने ऑमलेट रखा। इसके बाद डालेंगे इसमें दो पीस मैंने पत्ता गोभी के पत्ते लिए हैं, और ये मैंने यहाँ पे पत्ता डाला। आप चाहे तो इसमें ग्रीन लेट्यूस, लोलो रोसो वगैरह, सलाद पत्ते भी डाल सकते हैं। इसके बाद डाले मैंने ऊपर से टमाटर, और टमाटर डालने के बाद दोस्तों इसमें डालेंगे हम प्याज, और ये डाला मैंने इसमें प्याज। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अब इसमें डाले मैंने छोटे छोटे धनिया के पत्ते। वैसे धनिया के पत्ते इसमें डालते नहीं हैं, लेकिन मैं पहाड़ी स्टाइल में बना रहा हूँ दोस्तों, तो मैं इसमें धनिया भी ऐड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा बर्गर कितना बढ़िया और कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें डालेंगे ऊपर से हल्का नमक, और ये मैंने इसमें नमक डाला, और ऊपर से पाव रख देंगे। तो दोस्तों, हमारा बर्गर तैयार है, आप देख सकते हैं।
कितना बढ़िया और कितना अच्छा बन रखा है। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।